तो हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी, आज मैं खुद को बोल रही हूँ। और आज वीडियो पूरा देखिएगा और अपना आशीर्वाद और प्यार जरूर दीजिएगा कि कैसे हमने एनिवर्सरी जो है वो सेलिब्रेट की है अपनी। हेलो, कैसे हो आप सब। मैं शांति स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल गांव की शांति में। तो आप सबको, जैसे कि बहुत से लोगों को पता है कि आज है हमारी हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। आज हमारी शादी को 11 साल हो गए, तो इस खुशी में कुछ मीठा तो बनता है। साथ में आज हमारे गांव में काली माता की यहाँ पूजा भी है, तो गुलगुल्ला पूड़ी मतलब एक चीनी का बनता है, ज़्यादातर लोग जानते होंगे। ये मालपुए की तरह होता है बट बहुत छोटा छोटा होता है। ये बनाया जाता है और ले जाके काली माता के मंदिर में चढ़ाया जाता है। तो आज दो जो है वो दिन शुभ हो गए, एक तो पूजा और साथ में ऊपर से हमारी एनिवर्सरी। तो आज आप सब अपना आशीर्वाद जो है वो हमको ज़रूर दीजिएगा। तो बस मैं वही वाला, आज पूरा किचन की सफाई करके बहुत साफ़ सुथरे से जो है वो बनाया जाता है, तो मैं वही बना रही थी क्योंकि पूजा थोड़ा सा जल्दी होता है और जल्दी से सारे काम मुझे निपटाने होते हैं। आज की वीडियो प्लीज़ पूरी देखिएगा और उसके बाद यहाँ पे सिंपल सी पूरी बनती है जो मतलब चढ़ने को जाती है, तो वही मैं बना रही हूँ। तो चलिए मैं आप सबको लेके चलती हूँ काली माता के मंदिर, और क्योंकि वहीं पे जो है वो चढ़ाया जाता है। तो बस जस्ट हमारे जैसे आप गेट से बाहर निकलेंगे ना, आपको कुछ इसी तरीके का नज़ारा देखने को मिलता है। गिर भी ना। और ये रही हमारी काली माता। तो आप सब जय माता की, आप सब भी आशीर्वाद ले लीजिए और आप सब भी जो है वो दर्शन कर लीजिए। मैं यहाँ पे साड़ी चढ़ा रही हूँ क्योंकि मैंने मन्नत मांगी थी
मेरी मन्नत माता रानी ने पूरी की, तो इसीलिए मुझे लगा कि ये दिन शुभ है। और यहाँ पे ना जो पूरी चढ़ाई जाती है उसमें से निकाल के यहाँ पे भी दिया जाता है, तो वो सारी चीज़ें मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। वापस आ रहे थे ना, तो मेरी सिस्टर जो है वो ये तोड़ने लगी, बोल रही है कि इसी का तुम्हें गुलदस्ता बना के जो है वो मैं तुमको गिफ्ट करूँगी। कोई फूल तो और मिल नहीं रहा है, बस रास्ते में थोड़ी सी हम लोग मस्ती करने लगे। हेलो, कैसे हो आप सब? मैं शांति स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल गाँव की शांति में। तो आज है मेरी मैरिज एनिवर्सरी, 11 साल हो गए हमारे शादी को। तो आज ना यहाँ पे पूजा भी होती है, तो बस उस पूजा के लिए जा रही हूँ तैयारी करने। उसके बाद मुझे मंदिर जाना है और मैं तैयार तो हुई हूँ, मंदिर भी जाना है। रीज़न भी है कि मेरे को एक वीडियो भी शूट करनी थी एक दो, तो मैं सोचा वो भी कर लूँगी। सोचा था केक उक मंगाएंगे, लेकिन आप देख सकते हैं इतनी ज़्यादा ये बारिश हो रही है, बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। तो कोई प्लान ऐसा कुछ किया नहीं है, कहीं बाहर ऐसे में जा नहीं सकते तो घर में ही मनाएंगे। लेकिन आप सब अपना आशीर्वाद आज की वीडियो में हमें ज़रूर दीजिएगा और वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। तो आज माता रानी के यहाँ एक पूजा भी होती है, तो उस पूजा के लिए कुछ चीज़ें बनती हैं, वो जा रही हूँ बनाने करने, और उसके बाद मैं आप सबसे थोड़ी देर के बाद मिलूँगी। किसी भी कोई ना कोई आने वाला है आज, तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगी। मैं एक्साइटेड भी हूँ, कुछ ना कुछ सरप्राइज गिफ्ट तो रहेगा ही। कभी अपने बहनों के साथ नहीं मनाया है, लेकिन वो आएंगी, कोई ना कोई तो आएगा, तो मैं आप सबके साथ शेयर जरूर करूंगी। अरे वाह दुल्हन लुक, अरे मुंह दिखाई कर रसम हुई का अब तो, अरे गजब, कहीं आंखों को बंद करके, अरे वाह चूड़ा भी, अरे कमाल 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 कमाल, अरे वाह दीदी तैयार हो के, जी देखिए तो पागल ही हो गई है। सबने मेरे को कैसे इन लोगों ने तैयार किया है, नथिया भी पहना दिया था, तो उसको भी मैं खोल के आई हूँ और मेरे को एकदम दुल्हन जैसा बना दिया। ये देखिए, कोई वैसे सेलिब्रेट नहीं किया केक मंगा के, लेकिन बस खुश हैं, साथ में है माता रानी के आशीर्वाद से। तो मुझे लगता है कि यही एनिवर्सरी है, इसी तरीके से सेलिब्रेट करना चाहिए। अभी बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, आज मेरे भांजे और भांजी की भी, मेरे भांजे की भी एनिवर्सरी है, तो हमारे यहाँ दो दो एनिवर्सरी आज जो है वो है, तो उनको भी हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी नेहा और प्रिंस जी, आप दोनों को भी। तो आप उन दोनों को भी आशीर्वाद जरूर दीजिएगा। सो ऐसे ही मैं जा रही हूँ वीडियो शूट करने, तो उसके लिए मैं टीका वगैरह निकालूंगी अभी। बस ये लोग बोली थी दीदी हम आ गए हैं, और इन्होंने एक ऐसा सरप्राइज गिफ्ट लेके आई है ऐसा कि मेरे होश उड़ गए। कल की वीडियो में शेयर करूंगी, कल की वीडियो का इंतजार करिएगा। अभी फिलहाल मैं एक वीडियो शूट करने जा रही हूँ, सो अभी थोड़ी देर के बाद मैं आप सबसे ये थोड़ा जामा जो रही है सब निकाल के फिर मिलती हूँ। गावा अपने को जल लेने आया था, तो थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आप सबको अच्छी लगी होगी। बस इसी तरीके से घर में ही कुछ बनाया खाया और सेलिब्रेट किया, क्योंकि बारिश बहुत ही ज़्यादा हो रही थी, बहुत ज़्यादा। और अभी भी जब मैं वीडियो वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो भी मैं छत पे आके छाती के नीचे खड़े होके कर रही हूँ, तो आप सब समझ सकते हैं प्रॉब्लम कितनी ज़्यादा है। यहाँ पे बकरियाँ बैठी थी, तो बस हमारी पूजा हो गई थी, तो ये लास्ट में मैंने आप सबके साथ शेयर कर दिया। और पीपल के पेड़ में भी, यहाँ पे एक पीपल का ही पेड़ है काली माता के मंदिर के यहाँ, तो आज पूजा भी हो गई, अच्छे से बनाया खाया और थोड़ा सा मतलब इंजॉय किया खुद में ही।
फिर आ गए हम अपने घर। और कैसी लगी वीडियो मुझे कमेंट करके बता रहे थे कि इस पेड़ में पता नहीं क्या था, सांप है, सांप रहता है, तो वही ये सब ना बता रही थी और दिखा रही थी। तो मिलूंगी आप सबसे मैं कल।